हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ छोले की रेसिपी शेयर करूंगी। छोले तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त छोले आप नहीं खाए होंगे। छोले अक्सर लोगों को भटूरे के साथ अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रकार से बनाए गए छोले भटूरे के साथ साथ चावल, रोटी, पराठे सभी के साथ अच्छे लगेंगे। तो चलिए छोले बनाना शुरू किया जाए। छोले बनाने के लिए मैं 200 ग्राम काबली चना ली हूँ। अब इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी चने के लगभग 2 इंच ऊपर तक होना चाहिए। इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर मिला लेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से चना बहुत अच्छा फूल जाता है। अब इसे ढक कर ओवरनाइट छोड़ देंगे। इसे आप कभी भी 6-7 घंटे तक भिगो कर छोड़ सकते हैं। देखिए काबली चने कितने अच्छे फूल गए हैं। अब इसे अच्छी तरह से वाश कर कुकर में बॉईल होने के लिए रख लेंगे। अब इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी चने के लगभग 1 इंच ऊपर तक होना चाहिए। 1/2 टीस्पून नमक डाल लेंगे ताकि चने में नमक अच्छी तरह से समा जाए। अब इसे बंद कर 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 20 मिनट तक पकाएंगे। ये मैं 4 मीडियम साइज का प्याज इस पर का पतला पतला काट ली हूँ। 2 मीडियम साइज के टोमेटो को चॉप्ड कर लेंगे। 14-15 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। अब कढ़ाई को गर्म कर 4 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें 2-3 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और कुछ साबुत गरम मसाला को डाल लेंगे और इसे ब्राउन होने देंगे। अब इसमें चॉप प्याज को डाल लेंगे और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग टोमेटो, लहसुन और अदरक के टुकड़े का पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट तैयार हो गया और प्याज भी ब्राउन हो गए। अब इसमें पेस्ट को डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जार में लगे पेस्ट को भी पानी से मिलाकर डाल लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल लेंगे। कश्मीरी मिर्च से छोले का कलर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 2 टीस्पून छोला मसाला डाल लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल लेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चने को उबालते वक्त भी नमक डाला गया था। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि यह तेल ना छोड़ दे। मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग चने को देख लेते हैं। कुकर का प्रेशर निकल गया। अब इसके ढक्कन को खोल लेंगे। देखिए चना बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके पानी को निकाल लेते हैं। मसाले को बीच बीच में चला लेंगे वरना यह नीचे से चिपक जाएगा। मसाले फ्राई हो रहे हैं तब तक हम लोग इसका पानी रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में 200 ग्राम पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये मैं 2 आंवला को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली हूँ। इससे छोले का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। आंवला ऑप्शनल है, यदि ये आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसी पानी में 2 टीस्पून चाय पत्ती डाल लेंगे। केवल चाय पत्ती भी डालने से छोले का कलर अच्छा हो जाएगा। इसे थोड़ी देर बॉईल होने देंगे ताकि चाय पत्ती और आंवला का टेस्ट और कलर दोनों पानी में अच्छी तरह से आ जाए। मसालों में थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे फ्राई करेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए। प्याज अच्छी तरह से गल जाने से मसाला भी ठीक होगा और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा अर्थात यह बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। अब इसमें चाय वाला पानी डाल लेंगे।
इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पानी थोड़ा कम लग रहा है, इसमें और पानी डाल लेते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें बॉईल आने देंगे। देखिए पानी में बॉईल आना शुरू हो गया, यह अच्छी तरह से बॉईल होने लगा। अब इसमें बॉईल चने को डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे कवर कर 15 मिनट तक और पका लेंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से पक जाए। 15 मिनट हो गया, इसका ग्रेवी भी लगभग ठीक हो गया है। ये देखिए मैं उठाकर दिखाती हूँ। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए छोले के ग्रेवी का थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। यह ठंडा होने के बाद थोड़ा और ठीक हो जाएगा। अब गैस को बंद कर इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए छोला कितना अच्छा दिख रहा है, यह बहुत टेस्टी भी बना है। अब आप इसे भटूरे, चावल, रोटी, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, यह बहुत टेस्टी लगता है। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।